क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू रूट थ्री बाई टू देन अंडर रूट वन प्लस ए प्लस अंडर रूट वन माइनस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर हम ए की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें इसको लिखेंगे, ये वन प्लस ए अंडर रूट वन प्लस ए प्लस अंडर रूट वन माइनस ए इसका होल स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका ये होगा वन प्लस ए अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस ए होल स्क्वायर प्लस टू इंटू अंडर रूट वन प्लस ए इंटू वन माइनस ए इक्वल टू, और इसमें रूट कैंसिल होगा तो ये होगा वन प्लस ए और ये वन माइनस ए प्लस टू इंटू अंडर रूट और ये होगा वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसमें ए से ए कैंसिल हो रहा है सो प्लस टू इंटू अंडर रूट, और यहाँ पे हम ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर सो इक्वल टू टू प्लस टू इंटू अंडर रूट ये होगा वन माइनस थ्री अपॉन फोर, और फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा टू प्लस टू इंटू ये होगा अंडर रूट वन अपॉन फोर सो टू प्लस टू इंटू वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल सो थ्री आ रहा है। और हमें इसमें फाइंड करना है ओनली इसका स्क्वायर नहीं फाइंड करना, तो इस स्क्वायर को हम अगर राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये रूट थ्री होगा सो देयर फोर अंडर रूट वन प्लस ए प्लस अंडर रूट वन माइनस ए इक्वल टू रूट थ्री आंसर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।